आज मैं बताऊंगा आपको वर्मिकुलाइट और परलाइट के बारे में कि ये पौधों की मिट्टी के लिए कितने रामबाण होते हैं। अच्छे गार्डनर के लिए बेहद आवश्यकता है ये परलाइट की और वर्मिकुलाइट की। ये देखो दोनों का रंग अलग है, ये सफ़ेद रंग की होती है, ये भूरे से स्लेटी रंग की होती है। ये मूलतः एक खनिज लवण का पत्थर होता है जिसका ये चूरा होता है दोनों। इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग आप अपने गमलों की मिट्टी में अवश्य करें। इनका मुख्य काम है नमी की क्षमता को बढ़ाना। आपके गमलों की मिट्टी अक्सर सूख जाती है, उस समस्या से आपको निजात मिल जाएगी। इन दोनों का गुणधर्म एक सा होता है, ये अपने से अत्यधिक मात्रा में या 4 गुना पानी अवशोषित करने की इनमें क्षमता होती है और ये लंबे समय तक पौधे की मिट्टी में नमी बनाए रखने का काम करती हैं। पौधे की जड़ें सड़ेंगी नहीं, गलेंगी नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ उतनी ही आवश्यकता का पानी रहता है जितना उसकी जड़ों को ज़रूरी होता है। इसलिए मेरे हिसाब से आप अगर गार्डनिंग शुरू करने जा रहे हैं तो आपके पास ये दोनों चीज़ें होना आवश्यक है। दोनों में से कोई एक चीज़ मिल जाए आपको, आप बाज़ार से लाकर आप अपने पास रखकर अपने पौधों की आयु बढ़ा सकते हैं। मैंने आपको जो वीडियोस में जानकारियाँ दी हैं ये सब बिगनर्स के लिए हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि बिगनर्स अगर गमले या पौधे पहले खरीद लाएं और इन चीज़ों की कमी हो तो उनके पौधे कभी स्वस्थ नहीं रहेंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप गमले और पौधे खरीदने से पहले इन सारी चीज़ों का कलेक्शन अपने घर में रखें, अपनी बागवानी के लिए, अपनी बागवानी को हरा भरा बनाने के लिए ये आपके बहुत काम आएंगे।